कहते हैं कि मोहब्बत में हाशिम नदीम लिखते हैं परिजात, मैं पढ़ता ज्यादा हूं, मैंने ड्रामा कम देखा है, कि मोहब्बत में वसल हो जाना, किसी से आपको मोहब्बत होती है उसका मिल जाना, उसका वसल हो जाना, ये बड़ा सानिया है, या मोहब्बत में किसी का खो देना, ये बड़ा सानिया है। तो जब मोहब्बत में आप किसी को खो देते हैं तो फिर वो इश्क बन जाता है, वो मोहब्बत नहीं रहती। तो वसल यानी मिल जाना, किसी का मिल जाना, वसल हो जाना, आपका उसका हासिल हो जाना, मिलाप हो जाना, वो मोहब्बत है। लेकिन किसी का फॉरएवर लाइफ खो देना, उसका ना मिलना, वो इश्क है। और मैंने दोनों सूरतों में लोगों को बनते भी देखा है अपनी जिंदगी में, और बिगड़ते भी देखा है। कहते हैं किसी इंसान को किसी से मोहब्बत हुई, उनसियत डेवलप हुई और वो उसको मिल गया, फिर जाहिर है उनके बच्चे हुए, उन्हीं बच्चों के रूप में उन्होंने जिंदगी गुजारी। अब क्योंकि उसको उसका वसल मिल गया, उसको जिससे मोहब्बत थी वो मिल गई, तो जो इश्क का मजा था, जो वजदानियत थी, जो इरफान था, जिसने उसको बना देना था और उस नहज पर ले जाना था जहां वो सब बदल देता, वो उससे छिन गया, उससे इरफानियत छिन गई। वो इल्म की रूह तो समझ गया, वो दुनिया तो समझ गया, उसने जो चाहा वो पा लिया, लेकिन जो इरफान था, जो जिसने उसे बनाना था, जिसने उसे हकीकत की तरफ लेके जाना था, जिसने उसे उसकी असल समझानी थी, तो उसको उसने खो दिया, उसको उसने लॉस कर दिया। तारीफ है, अगर आप बानू कुदसिया या शफाक अहमद को पढ़ें तो वो प्यार को कहते हैं कि फर्जी अटैचमेंट का नाम है प्यार। मोहब्बत लम्स से डिफाइन होती है, जैसे आप मां की गोद में सर रखे ना, तो जो आपको एहसास होता है ना, वो टच का एहसास नहीं होता, छूने का एहसास नहीं होता, वो लम्स का एहसास होता है। इसी तरह आप अपने बच्चे को जकड़े, हाथ में पकड़े, जप्फी डाले, पप्पी ले उसकी, तो आपको जो एहसास होता है वो लम्स का एहसास होता है, उसमें कोई सेक्सुअल डिजायर्स, उसमें कोई और फैसिनेशन, उसमें कुछ और ऐसा नहीं होता जो आपको ड्रैग कर रहा होता है, वो लम्स होता है। और वो सुकून, उस सुकून पे हजारों सुकून कुर्बान जो आप अपनी माँ की गोद में सर रखते हैं, या जब आप औलाद को हक करते हैं, जो आपको लम्स का एहसास होता है, ये जो लम्स है ना, ये मोहब्बत है। यानी दिलों में, एक दूसरे के दिलों में बस जाना, एक दूसरे के दिल में दाखिल हो जाना, ये मोहब्बत है। और मोहब्बत में वसल जरूरी है, यानी के मिलना जरूरी है, मिलन जरूरी है। आपको आपकी बीवी से भी मोहब्बत होती है, ये सब वो है जो दुनिया बताती है, जो इल्म बताता है, बट इससे एक नेक्स्ट लेवल चीज है जिसका नाम इरफान है। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ, दैट इज इश्क। और इश्क में कभी वसल नहीं, इश्क ला हासिल का नाम है, इश्क में मिलाप नहीं होगा, इश्क में मिलन नहीं है, इश्क मुकम्मल तौर पर रूह करती है, रूह से करती है, और उसमें वसल नहीं होता, और वो आपको बनाता है, वो आपके अंदर तोड़ फोड़ का अमल करके आपको